हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ नेहा लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे बेबी का हुए 6 दिन हो गए हैं। तो आज है छठियार, यानी कि छठी पूजा है आज। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे आज के दिन ना सफाई होती है घर की, मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ बेबी होने से पहले ही। जो भी मतलब बेडशीट वगैरह चेंज होता है, सोफ़ा का कवर वगैरह चेंज होता है, झाड़ू पोछा वगैरह होता है, तो वो सब यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पे मैं ना नेल्स कट कर रही हूँ। आज के दिन नेल्स कट करते हैं, मतलब बेबी को गोदी में लेके उसके बाद नेल्स कट किया जाता है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद फिर बेबी को नहलाया जाएगा, उसके बाद मैं नहाऊँगी, तो यही सब रहेगा सुबह सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मेरे को तो नहलाने आता नहीं इतने छोटे बच्चे को, तो यहाँ पे मम्मी नहला रही है। मालिश वगैरह कर दिया था बेबी को मम्मी ने, उसके बाद यहाँ पे उसको नहला रही है। उसके बाद मम्मी नहला देगी बेबी को, तब जाके फिर मैं नहाऊंगी। सो गाइज, यहाँ पे हलवाई भी आ गया था और जो भी सामान था ना वो नीचे लेके जाना था, तो ये लेके जा रहे थे। और यहाँ पे यूबी को बदमाशी देखो, सारा सामान फैलाने में लगा हुआ है। मैं थैले में रख रही हूँ और वो निकाल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ नेहा लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने डिलीवरी वाला जो ब्लॉग है ना वो शूट किया हुआ था, तो मेरे छठियार से पहले तो ये डिलीवरी वाला ब्लॉग जाएगा। उसके बाद आज है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि मेरा डिलीवरी हो गया है, तो आज है बेबी का छठियार, यानी हमारे में तो छठियार बोलते हैं वैसे छठी बोलते हैं, तो वही है आज। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जो भी क्लीनिंग वगैरह होता है ना, बेडशीट वगैरह को चेंज वगैरह करना, धोना धाना, झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग होती है आज के दिन पूरे अच्छे से, तो वो सब हो चुका है। और उसके बाद नेल्स वगैरह काटा जाता है, तो नेल्स वगैरह भी मैंने कट कर लिया था। उसके बाद नहा धो लिया है और बेबी को भी नहला दिया है, तो सुबह का तो सारा काम हो चुका है और अभी बाकी है। बाकी तो शाम का ही फंक्शन है, तो जो पूजा पाठ वगैरह होगा ना, छठियार वगैरह होगा, वो तो शाम में होगा। और आज का जो ब्लॉग है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और आज कौन कौन आने वाला है वो सब सब कुछ मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा ब्लॉग में बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाती हूँ कि आज तैयारियाँ करेंगे ये वो, मैं एक ही ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और अभी हलवाई वगैरह जो है वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, सामान वगैरह तो आ गया है, सारा कुछ अरेंजमेंट हो गया है, तो वही सब है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, रूम डेकोरेट वगैरह भी होगा, हॉल को हम लोग डेकोरेट कराएंगे, तो वो सब भी आने वाला है। आज पूरे दिन बिजी होने वाला है, तो सोचा कि अभी थोड़ी देर का टाइम है तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। डिलीवरी वाले ब्लॉग में मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि डिलीवरी में किसी से बात करने का कहाँ हो पता है, वो तो मैंने शूट कर लिया, वही बहुत है थोड़ा थोड़ा करके। शूट करने वाला भी कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, तो फिर मेरे को ही करना पड़ता है सब कुछ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए सूट बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया या फिर कोई भी ब्लॉग अगर मेरा पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो बनिए रहिएगा इस ब्लॉग में, ये छठियार वाला ब्लॉग होने वाला है, तो पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइज, यहाँ पे जैसे ही ये सारा सामान लेके हलवाई को देने गए थे खाना बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हमारे घर लड़का हुआ है, तो ये लोग आ गए थे, मतलब किन्नर वगैरह आ गए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग पैसे मांग रहे थे, 50,000 से कम तो लेने के लिए नाम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा नौटंकी किया, हम तो परेशान हो गए थे कि ऐसे ही हमारा इतना खर्चा लगा है। आप लोगों को पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने कितना खर्चा होता है, और छठियार वगैरह का फंक्शन में भी हमने काफ़ी पैसे लगा दिए थे, ऊपर से ये लोग आ गए थे, तो फिर कितना कहने के बाद
माने ये लोग, तो हमसे जो भी हो पाया हमने यहाँ पे दिया था, क्योंकि कहते हैं ना इनकी बद्दुआ लग जाती है, इनको खुश होके जाना चाहिए। लेकिन लास्ट में हमको जो हो पाया हमने दिया था, मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं दे दो। और तो बाद में ये लोग खुश होके गए थे, बेबी को आशीर्वाद भी दिया था, तो काफ़ी अच्छे से खुश होके गए थे। उसके बाद इन्होंने बोला नीचे कि चलो देखने के लिए तुमको तैयारियाँ वगैरह कैसे किया है वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गई थी और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टेंट वगैरह लग रहे हैं, खाने वगैरह का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे हो ही रहा है, अभी खाना वगैरह बना नहीं है। अब ये हाथ धोने के लिए अभी खाली है, बस खाना रेडी है, बस धीरे धीरे जैसी सब आएंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। ये वाला पर्दा हाँ यहाँ लगा देंगे। हाँ कैसा लग रहा है अरेंजमेंट? बहुत बढ़िया है। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेकोरेशन वाले भी आ गए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर को भी डेकोरेट कराते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया कि हॉल में ही कराएंगे, क्योंकि अगर कोई आते भी हैं तो हॉल में ही बैठेंगे और फ़ोटोशूट वगैरह भी होगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेकोरेशन वाले भैया आ गए हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया था, जैसा मेरा मन था। वैसे तो मेरा मन था कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बेबी को घर में लेके आऊँ, जैसे वेलकम बेबी होता है ना, तो उस दिन करूँ, लेकिन उस दिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ये घर में अकेले ही हैं, इन्हीं को सब कुछ हैंडल करना था, बाहर का घर का हॉस्पिटल वगैरह का भी चक्कर काट रहे थे, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं ये चीज़ कराऊं, तो इन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं तुम छठियार पे करा लेना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है छठियार पे ही करा लेंगे, क्योंकि उस दिन लोग भी आएंगे और फोटोशूट होगा तो वो भी अच्छा ही रहेगा, ये आइडिया भी अच्छा है। तो हमने इस दिन इसको कराया है और जितने भी मेरे छोटे छोटे विश था वो सब मैंने इस छठियार में पूरी करने की कोशिश किया है। मेरा बड़ा मन था कि मैं ये चीज़ करूं और आजकल 2 बजे से ज़्यादा करते भी कौन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो भी मेरा विश है वो सब मैं इस बेबी में पूरा कर लूं अपना। तो मेरा मन था, उन्होंने पूरा किया और इन्होंने सारे ही अरेंजमेंट किया था, जितने भी हलवाई वगैरह था और टेंट वाले, फ़ोटोशूट वाले, डेकोरेशन वाले, सब कुछ इन्होंने अकेले ही किए थे, क्योंकि मेरे को तो कुछ करना था नहीं। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं सब कुछ अच्छे से करूं, तो इन्होंने सारे विश मेरे पूरे करने की कोशिश किया है। तो एक इस ब्लॉग के ज़रिए मैं इनको थैंक यू बोलना चाहती हूं, इन्हीं को नहीं अपनी मम्मी को भी, क्योंकि इन्होंने बाहर का काम संभाला है और मम्मी घर का जो भी काम होता है वो उन्होंने संभाला है, क्योंकि मुझे तो कुछ करना था नहीं। आप लोग समझ ही सकते हो कि कुछ दिन का तो नॉर्मल डिलीवरी में भी रेस्ट चाहिए होता है, और मेन बात यह है कि 11 दिन तक छूना ही नहीं होता है, जब तक कि 11वीं का पूजा ना हो जाए तब तक, तो मम्मी ने ही बहुत संभाला हुआ है। तो यहाँ पे मेरा घर का कुछ झलक आप लोग देख लीजिए, इंजॉय कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। डेकोरेट वगैरह हो गया था, घर की सफाई वगैरह हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी सी झलक इस ब्लॉग में अपने घर का मैं आप लोगों को दूँ, तो आप लोग इंजॉय कीजिए।
सो गाइज यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और जितने भी गेस्ट थे ना वो आने लग गए थे, तो यहाँ पे मैं गेस्ट वगैरह को देखने लग गई थी और मम्मी पूजा वगैरह की तैयारियाँ करने में लग गई थी। तो इस बीच में जो भी गेस्ट वगैरह थे उनको अच्छे से शूट ही नहीं कर पाई थी। फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग भी शूट करना है, तो मेरे एक जेठानी लगेंगी उनको मैंने फ़ोन दे दिया था कि मेरा ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर देना, तो उनको जितना हो पाया था उन्होंने शूट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छठियार पूजा की तैयारी जो है वो हो रही है। तैयारियां तो क्या, मैंने सब कुछ पहले से ही मुझे पता था, यूबी के टाइम में भी हुआ था तो सब कुछ मैंने करके रखा ही हुआ था। यहाँ पे बस मदर इन लॉ जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, पहले तो मैंने खोंच लिया था, बच्चे को गोदी में लेके खोंच लिया जाता है, तो मैंने खोंच लिया था। उसके बाद में सिस्टर इन लॉ जो है यहाँ पे काजर सेकाई कर रही हैं, काजर सेकना बोलते हैं इसे। तो ये जो काजर सेकेंगी ना, तो वही काजर जो है बेबी को लगाना होता है, तो यहाँ पे वो काजर सेक रही है। और जो काजर सेकाई होता है उसमें कुछ देना होता है, तो वो भी मैं दूंगी। क्या दूंगी वो सब इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो पूरा देखिएगा, इस ब्लॉग को स्किप करके मैं देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, आप लोग समझ ही सकते हो कि अभी मेरा बेबी हुआ है फिर भी मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश किया हुआ है। ऊपर से एडिटिंग करने में तो इतना टाइम लग गया था कि क्या बताऊं, क्योंकि छोटा बेबी है वो करने ही नहीं देता है, बीच बीच में रोने लग जाता है, फिर भी मैंने टाइम निकाल के यहाँ पे एडिट वगैरह किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चा को ना ढक के यहाँ पे रखा जाता है, और कहते हैं कि बच्चा को रोना चाहिए, अगर बच्चा नहीं रोता है तो चोर होता है। ये सिर्फ एक मजाक है, ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दीवार पे सिंदूर लगा रही हूँ मैं, तो पांच जगह सिंदूर लगाया जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिचुअल्स हैं, मुझे जो सिखाया है, मुझे जैसे बताया है वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे में कैसा होता है। तो यहाँ पे बस पांच जगह सिंदूर लगाया था, खोंच लिया था, बच्चे को यहाँ पे रखा हुआ था, और उसके बाद अपने इष्ट देवता को जो भी है इष्ट देवता होता है ना, उनको जो है मन से ध्यान से मतलब गौर लगना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं उस रख रही हूँ, और यही सब रहेगा जैसा हमारे में होता है वैसा आप लोग भी देखो। उसके बाद में थाली पीटना होता है, तो यहाँ पे मदर इन लॉ जो है थाली पीट रही हैं, और उसके बाद आग होता है ना, आग से जो होता है कमर को सेकना होता है, ताकि इसे कहते हैं कि कमर मजबूत होता है। तो इस तरीके से तीन बार शायद उन्होंने सेका हुआ था अजवाइन वगैरह से, तो इस तरीके से सेकना होता है। उसके बाद आग जो है ना उसको मुझे तीन बार यहाँ पर क्रॉस करना होता है, मतलब आग को मतलब आपको फान के इस तरीके से आना होता है। तो ऐसे मैंने तीन बार किया था, उसके बाद यहाँ पे जाके छठियार की पूजा होती है कंप्लीट। और उसके बाद जो भी यहाँ पे गिफ्ट वगैरह देना होता है ना काजर सेकाई के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट दे रही हूँ। तो गिफ्ट में मैंने जितना मेरे से हो पाया था, तो मैंने यहाँ पर अंगूठी दे रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैमरामैन जो है वो शूट करने में लगे हुए हैं। तो और उसके बाद सब कुछ हो गया था, पूजा वगैरह हो गया था, तो यहाँ पे मुझे खाना दिया गया था। कहते हैं बच्चे को गोदी लेके खाया जाता है, पाँच कर खाया जाता है, सब कुछ मिक्स करके। तो जो भी आज के दिन मैं खाऊंगी ना वो सब बच्चे को डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो वही यहाँ पे मैं खा रही हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी गेस्ट वगैरह है वो भी नीचे अपना खाने में लगे हुए हैं, और मैं तो अभी नीचे जा नहीं सकती, तो मैंने कुछ सूट नहीं किया था। और हस्बैंड तो आप समझ ही सकते हो कि उन्हीं को सबको देखना था, तो वो इसी में बिजी थे और कोई था नहीं। वैसे मैं हम लोगों मैंने सोचा था कि मेरी बहन वगैरह भी आएगी, भाई वगैरह भी आएगा, लेकिन वो सब किसी भी रीज़न से आ नहीं पाए थे, नहीं तो वो लोग अच्छे से शूट कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सका है मैंने शूट करने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग जो है छोटा सा छठियार वाला वो पसंद आया होगा, मेरा बेबी पसंद आया होगा। तो कैसे लगा मेरा बेबी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसे लगा मेरा साड़ी ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी है ये मम्मी ने मुझे दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर गेस्ट वगैरह को शूट नहीं कर पाई थी, तो मेरे पास फ़ोटो वगैरह थे कुछ, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में कुछ फ़ोटोज़ को इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये है मेरे कुछ फैमिली नाइबर्स और कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी ये फ़ोटो है। तो आई होप कि मेरा ये छठियार वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और अच्छे से नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।